चौधरी का तड़का लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मगर सबसे पहले आपको पता है हस्बैंड मामूल मैंने क्या करना होता है। मैंने लाइफ बॉय से हैंड वॉश के साथ अपने हैंड वॉश करने होते हैं, जो कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि भाई आप किचन में काम करने जाएं तो पहले आपने हाथ धोने, पावे आप अंदर बाथरूम से भी धो के आई हो, पावे आप इधर से भी धो के आई, पावे कमरे से निकलते भी धोए, पर किचन में आने के बाद आपने लाइफ बॉय के हैंड वॉश से हाथ जरूर धोने। ले भी सलाम अलैकुम, मैं क्या काका, अस्सलाम वालेकुम मिस चौधरी, कैसी हैं आप? बड़ा पटाखा लग रही हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। असल में तो आया बस दोपहर का है, हमें झूठी मूठी आपके सामने हम सलाम दुआ ले रहे हैं ना, बंदा तमीज सिखाता है अपने बच्चों को। जो टीवी पे देख रहे हैं उनको पता चलना चाहिए कि भाई जब कोई मेहमान आता है घर में उसको सलाम करते होते हैं, इसलिए मैंने आपको सलाम किया, वरना आपको मैंने इतनी इज्जत अफजाई आज करनी नहीं थी। अच्छा भाई, हम आज बना रहे हैं बड़ी ही सादा सी चीज, तो मैंने कहा सिंपल सी चीज है, इसको कहती हूँ चल तू मेरी हेल्प करा। बता हम क्या बनाने लगे हैं? हम बनाने लगे हैं चीज स्टिक्स। चीज स्टिक्स यू करके बननी है, यू करके बना ली। मैंने कहा की है, मैं करके बना लेगा बेचारा, भोला जाते हैं। नहीं नहीं, क्योंकि मैं घर में आपको पता है मैं खाना, मुझे खाने का भी शौक है और मुझे पकाने का भी बड़ा शौक है। मुझे पता है ना, वैसे तो मैं, मुझे पता है तेरी भी बड़ी सख्त मिजाज है, तूने डर के मारे सारा कुछ सीख लिया है। पहले तो तू उसके ऊपर रोब डालता था, जब जिस वक्त उसने तुझे घूरी लगाई है तो सीधा तितर हो गया, पहले उन सारा कुछ इनू आंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बात सुनो, तुम्हें देख के आज मुझे तुम्हारी नानो फिर से याद आ रही है, मानसे मुझे बहुत उदास मैं उनके लिए हो जाती हूँ, जब भी उनका ख्याल आता है ना तो मुझे कोई ना कोई उनकी बात याद आती है। तुम लोगों के पास उनकी कोई बची हुई साड़ियाँ हैं? होंगी, घर में कहीं ना कहीं पड़ी होंगी। अच्छा तो तुम लोग किसी को देना चाह रहे होगे, तो तुम्हारा ख्याल होगा कोई अच्छी रिस्पेक्टेबल लेडी तुम्हें मिले तो तुम उसको दो, तो आप अपनी बात कर रही हैं। मैं ऐसे बता रही हूँ कि अगर तुम लोगों को किसी लेडीज को देनी हो अपनी नानो की साड़ी तो मैं अपने आप को नॉमिनेट करना चाहती हूँ। आजकल साड़ियों पे ऑन चल रहा है। अच्छा भाई, ऑन चल रहा है। नहीं वो वाली साड़ियाँ तो सेल में लगाने वाली नहीं, वो तो बड़ी कीमती साड़ियाँ होती है ना। अच्छा तूने किया क्या पहले ये बता। अच्छा जी, मैंने चीज स्टिक्स काट दिए, ये बिल्कुल फिश फिंगर की तरह आप इसको पतला लंबा जरा ब्लॉक में रखेंगे। ले भी बेटा, जिस तरह मैंने तुझे सिखाया ना उस तरह तूने बनाना है। बात दरअसल ये है कि हम तो आमतौर पर अपने खाने खाते ही रहते हैं, हमारे देसी खाने भी बड़े जबरदस्त होते हैं। मैंने सोचा कि मिसेस चौधरी के तड़का जो आपका शो है इसके अंदर हम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल की चीजें सिखाएंगे, और वो भी हमने कनौर की मदद से बड़ा कुछ नया नया तजर्बा किया है। भाई वैसे भी कोरोना की वजह से तो बंद ही है ना रेस्टोरेंट, और वैसे भी आप घर पे रहें, घर पे अच्छा खाएं, हाँ, हेल्दी खाएं, हाँ, और जितनी आप घर में कुकिंग करेंगे, कुकिंग तो एक वो एक्टिविटी होती है कि फैमिलीज करीब आती हैं, दो तीन सालन साड़ोगे मतलब चिड़का पैनी है तो फिर कुछ ना कुछ बनी जाएगा। मतलब है कोई बात ही होगी ना, फिर फाइल लगदा फिर ताई तक कानून दा पता लगदा ना, बंदा फांसी ना लगे तो पता कैसे चलता है कि कानून क्या होता है। तो अब जिस तरह बेटा तुझे मैंने सिखाया तूने बड़े अच्छे वो काटे हैं, लेकिन रुक जा, इसके अंदर हमने जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डाली वो है क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स है, हमने क्रम्स के अंदर ये मिलाना है। तो मैं जरा कैंची पढ़ाई जरा पुत्र, चल शाबाश पूरे कर। अच्छा मैं ये पूछ रही थी कि भाई जवानी फिरने आने टू जो थी उसमें चार लड़कियां तो पहले ही बड़ी प्यारी प्यारी थी, तो उनकी परफॉर्मेंस पे कोई शक था जो तू उधर से मैना बन के आ गया था? नहीं जी, असल में वो ये एक मिनट है, हाफ डालना इसमें, ठीक है। अच्छा असल में वो कैरेक्टर की डिमांड थी। अच्छा भाई क्या डिमांड थी कैरेक्टर की? मेरे डायरेक्टर ने कहा कि भाई ये करना है, तो मैंने कहा ठीक है। मैं आपस में मिले हुए तुम और तुम्हारा डायरेक्टर, मुझे सारा पता है, देखी तू जरा। अच्छा वैसे मैंने एक बात सुनी, मैं तुझे पूछने लगी थी, चल तू आ गया तो पूछूं, दिल कर रहा था फोन करके पूछूं। जी जी। अच्छा वैसे अच्छा ही होता कि तू इसके साथ भी घोल सकता था, चल तूने हाथ लगा लिए, हाथ धोए थे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं धोए हाथ, जिस वक्त मेरे घर ये आता है मैं इसके छह दफा हाथ धुलवाती, छोटे ही हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चूल्हा तो जला लेंगे, सबसे पहले एग के अंदर डिप करके हल्का सा फ्लावर, फिर एक और डिप करके, एंड देन अच्छी तरह कोटिंग, जो हम लोग ने बैटर कोटिंग, ये इतनी खूबसूरत क्रम्स की कोटिंग है, एंड देन वी गोना प्लेस देम हियर। उसी तरह जितना आप उसकी कोटिंग अच्छी रखेंगे उतना ही वो मजेदार। देख शक्ल इसकी किससे मिल रही है, भरा लग रहा है ना फ्रेंच फ्राइज का भाई है, कजन है, पर है चीज का बड़ा मजा, और इसका देख तू टेस्ट क्रम्स के अंदर इतना अच्छा आना है ना, ये जो मिक्स है इसका कनौर का है,
चिकन चिकन क्रिस्पी फ्राइड चिकन का जो बिल्कुल, और जितना आप उसको प्यार मोहब्बत से करेंगे, क्योंकि ये काफी जरा सेंसिटिव बिचारी होती हैं, ये इजीली ब्रेक भी हो सकती हैं, तो इसलिए प्यार मोहब्बत से हम इनको बनाएंगे। माँ सदके जाए तो सही, देख तो सही जरा इसकी शक्ल, बिल्कुल ऐसे जैसे रेस्टोरेंट वाले हमें देते, इतनी सी प्लेट देते, अच्छे वाले को 14,000 रुपया ले लेते, नहीं हाँ बिल्कुल, क्या जरूरत है, और उसे आधे में हम लोग अपने घर में बना सकते हैं, और क्या, हम 14,000 से 14,000 दफा बना सकते हैं। वैसे आपका फेवरेट स्नैक क्या है? मेरा स्नैक है फेवरेट, स्नैक नहीं स्नैक, हाँ हाँ वही वही, मैं सॉरी आई एम सॉरी, अभी मैंने सीख लिया था स्नैक, मैं खाती हूँ शाम को एक सैंडविच खाती हूँ, उसके अंदर मैं सारा कुछ ना वेजिटेरियन डालती हूँ, मुझे नहीं उसमें चिकन नहीं मुझे पसंद, मुझे वेजिटेरियन सैंडविच पसंद है। वेजिटेरियन? हाँ जी, मतलब उसमें क्या क्या होता है? क्या क्या? हरी मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, टमाटर, अदरक लहसुन प्याज, अदरक लहसुन प्याज भी, हल्दी, वाह 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 वाह, वो ऐसा कोई देसी सा होता है, मतलब वैसे बंदे की मर्जी हो तो विशाक उसको हांडी में भून भी सकते हैं, वैसे हो तो सकता है। मजाक कर रही हूं नहीं, मुझे बड़ा मजा आता है, मैं कनौर की वो खाती हूँ क्रिस्पी फ्राइड चिकन से बना के, कभी चिकन की टांग खा लेती हूँ, कभी मैं प्रॉन पे भी लगा लेती हूँ, इसमें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ ये वैसे ये, अब तेल देख मैंने तपा लिया तेल, तेल तपा लिया तो लोग जो है ना दूसरे को तपा देते हैं, मैं तेल तपाती हूँ। तो फिर यूं करते हैं कि एक को हम लोग फ्राई करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है जी, ताकि पहले देखें कि ये सबसे पहले ये कितना गर्म हुआ है। तो हल्का सा गर्म करने के लिए ये थोड़े से क्रम्स डाल दी करें ना, पर गंद पा देता सारे, ये भी ठहर जाओ बेटे, खलारा नहीं डालते, तेल ना खराब हो जाए। अच्छा एक बात मैंने सुनी थी, मैंने कहा चलो पहले तो मैंने सोचा तेरे घर जाके पूछूं, फिर मैंने कहा ऐसे कहीं मतलब लामा देने वाली बात है, बात बड़ी अजीब सी है, मैंने सुना है कि वो जो ड्रामा था ना मेरे पास तुम हो, उसके अंदर जो अदनान सिद्दीकी वाला रोल था वो तुझे ऑफर हुआ था। ये आपको किसने बताया? हुआ था मगर मेरे पास डेट्स नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है जो तेरे पास डेट होती ना, तो जो दानिश बना हुआ था ना माइयों सईद, उसका रोने की जगह हासा निकल जाना था। नहीं वैसे मतलब होता है ना, तू इतना चालाक नहीं लगता जितना वो लगता है ना अदनान सिद्दीकी, तू बोला ही बड़ा है। अच्छा तेरे को कुछ भी नहीं सी होना जो कुछ उन्हें कर छड़िया। मजे की बात है, अदनान भाई को बड़ा अच्छा खाना आता है बनाना। हाँ बांसुरी भी बजाता है मैंने देखा। हाँ वो रात तो को वो पता है जाता है रेस्टोरेंटों में बांसुरी बजा के, तो सुबह के लिए नाश्ता लेके आता है। उसका एक्स्ट्रा इनकम है ना वो, आपको पता है वो बांसुरी मैंने सुना है हमेशा जेब में रखते हैं, और सिर्फ उनको मौके की तलाश होती है कि आज मैं बांसुरी पकाऊंगा। बात यह है कि बांसुरी में खर्चा ही कोई नहीं, ना बिजली ना कुछ, ऐंज लिया अपना तू तू ऐंज करके बजा लिया, उधर का मसला। अच्छा जी हम डालने लगे हैं, चल बिस्मिल्लाह कर। अल्लाह हि रहमान, देख बेटा ध्यान से देखा, तेरी बॉडी तेन झिड़का दे रही थी, तो टीवी ते बेइज्जती ना करावी ओदी किते। अच्छा ये एक बात तो बता जी जी। वो तुम्हारी अम्मी हुमा जी थी ना, जिले हुमा प्यारी जी जी जी। अल्लाह बख्शे, वो खाना कैसे बनाती थी, कैसा था उनके हाथ में टेस्ट था? माँ के हाथ में जायका नहीं था, तो फिर मेरा ख्याल है मैंने तो उसके बाद हर खाना आपको बस गुजारा ही लगता है। ऑब्वियस बात है, मगर माँ की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि माँ कहती थी कि भाई सबसे सबसे बड़ी दुआ ये होती है कि आपका दस्तरखान आबाद रहे। हाँ जी, और आपने भी घर में आके खाना खाया हुआ है, और जिस जिसने घर में खाना खाया वो बस हमेशा ये करते थे कि यार उनसे बड़ा मेहमान नवाज कोई नहीं। बड़ी बड़ी अखलाक वाली बड़ी प्यारी जनानी सी वैसे, अल्लाह की कसमें कुछ ना पूछो। वैसे मैं उन्होंने मुझको एक दिन खाने पे बुलाया था, तो मैं जिस वक्त पहुंची सारा कुछ ये खा बैठा था, बेचारी बड़ी शर्मिंदी हुई मेरे सामने, कहती मेरा बच्चा जरा ज्यादा खाता है माफ करना, तो मैं फिर चुप करके क्या करती, उस वक्त बहुत खाता था बेटा। आपने शॉपर में पैक भी कराया था यार? नहीं वो तो फिर उन्होंने बाद में खास तौर पर बनवाया था मेरे लिए, लेकिन बात वही है कि देखिए एक बात कितनी अच्छी है कि जब आपके दस्तरखान पे ज्यादा लोग होते हैं और ज्यादा आपके रिज़्क में से लोग खाते हैं, तो आपको सवाब भी बड़ा मिलता है। और वैसे भी उन्होंने पांड्या था की फायदा जी, कोई आके मेहमान खाना ना खाए। हाँ बिल्कुल है? लोगों ने घर में ना पता डिनर सेट सजाए होते अलमारियों के, मुझे सारी, सारी जिंदगी मुझे इतना बुरा लगता है अकेले बैठ के खाना। भाई खाना मेरा ख्याल है इतनी खूबसूरत चीज है, आप अपने खानदान के साथ मेहमानों के साथ बॉन्डिंग आपकी जो होती है सबसे अच्छी खाने के ऊपर ही होती है। हाँ जी, तो झिड़कियाँ भी उसी वक्त ही मिलती है ना तुम्हारी बीवी से तुमको है। फातिमा मुझे नहीं डांटती, आपको पता है फातिमा इतना अच्छा खाना पकाती है, मगर अक्सर वो कहती तुम मेरे से अच्छा बनाते हो इसलिए तुम भी बनाओ। वैसे माशाल्लाह ताला उसकी शादी तो बेचारी की पता नहीं किस तरह हुई है, तुम्हारी अच्छी जगह होगी वैसे बेटे, अल्लाह का शुक्र है। चलो तो वो भी खुशी होगी बेचारी, गुजारा कर रही थी लड़कियाँ बेचारियाँ। ऑयल हो गया जी, अब हम लोग डालना शुरू करें। डालो जल्दी जल्दी इसको, जरा इधर उधर करूँ मैं। अच्छा लग रहा है इसका रंग, माशाल्लाह है। असल में क्रिस्पी जो फ्राइड चिकन है ना उसकी रौनक ही कुछ और है, टेस्ट कैसा आ गया क्रम्स के अंदर मिलाने से। और इतना आसान है, आपने यूं करके बनाना है। देखो जी अब हमें चाहिए कि हम अपने जो रवायती खाने हैं ना
उनके उनसे हट के भी कोई नवी नवी चीज भी ट्राई करें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा इनको थोड़ा फैलाती ना, फैलाती ना ताकि वो चमड़ ना जावे ना। ये चमड़ हाँ 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 हाँ। ये जिस तरह आपको दूर से लग रहा है कि हम भिंडी फ्राई कर रहे हैं, एक तरह नहीं मुझे तो लग रहा है फ्रेंच फ्राइज लग रहे हैं शक्ल से। हाँ ये भी चलें, ये होगा। मैं हाथ चीज और चीज तो इतनी अच्छी चीज है, चीज तो अच्छी चीज है। हाय कितनी अच्छी बात की मैंने, शेयर कह दिया। चीज तो बड़ी अच्छी चीज। वैसे मिसेस चौधरी आपने किस उम्र में खाना पकाना सीखा था? बेटा मुझे तो आता नहीं था इतना कुछ। एक तो चोई साहब की झुड़कियाँ, ऊपर से मेरी सास बड़ी अच्छी थी। है ससुराल वाले हमेशा बुरे नहीं होते, ड्रामो पे ना जाना। बड़ी अच्छी थी मेरी सास मान से, उन्होंने सिखाया मुझे सारा कुछ। अच्छा और आपकी फेवरेट डिश कौन सी है पकाने के लिए? यार ये सारा कुछ जो मैं पका रही हूँ ये सब फेवरेट ही हो गया है ना। नहीं नहीं एक होता है ना कि यार मैं जब भी पकाती हूँ तो क्लास ही पकाती हूँ। बेटा पुलाव देख के ना मेरे जज्बात पे कंट्रोल नहीं रहता। हाय 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 हाय। मटन पुलाव मैंने उसके साथ कुछ नहीं खाना, बस दही। वाह वाह है जी। अच्छा मैं ओजरी। हाय अच्छी ओजरी पकी हो ना तो क्या बात है। लेकिन क्या बेटा है? जरा कुमासा को उसमें अगर रह गए ना हुमक। नहीं नहीं मैं आप थोड़ी सी मेथी डाले, मेथी डाले उसके साथ बड़ा अच्छा। वो किसी किसी को पकानी आती है, सबको नहीं आती है। मगर अफ्तारी का सबसे खूबसूरत ये होता है कि जी देखें हम लोग अफ्तारी तो करते हैं और रमजान के अंदर स्पेशली खवातीन जो हैं वो इतना काम कर रही होती हैं, इतना काम करती हैं। हमें चाहिए मर्दों को स्पेशली कि अफ्तारी के वक्त हम अपने वाइफ, अपनी माँ, अपनी बहन, इनका हाथ बटाए। हाँ जी स्पेशली मैं किचन में जाके अपनी बेगम का हाथ जरूर बटाता हूँ। अगर आपको यकीन ना है तो आप मेरा कभी इंस्टाग्राम पोस्ट देख लिया करें। अच्छा जी हम अब ये कर रहे हैं, हम इसको सजाते हैं प्लेटर के अंदर। ओए फरसू निकल चलिया, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं तो आपने वापस आना है मिसेस चौधरी का तड़का। और कहीं नहीं जाना, मैंने बता दिया आपको। हाँ मैं अभी आती प्यारे से शो में जिसका नाम है मिसेस चौधरी का तड़का। और आप देख रहे हैं कि मैंने हमसायों के लड़के को काम पे लगाया हुआ है, क्योंकि ये वैसे भी हमने देखा ना साथ वाले जो हमसाए होते हैं उनके बच्चे अपने बच्चे होते हैं ना। ये मुझे छोटा सा बड़ा ही प्यारा लगता था, गुगलू मुगलू था, तो इसको फिर सब्जियां काटने का बड़ा शौक था। मैं कहा चल फिर तू आ गया तो हर काम भी करके खा कोई। वैसे चोई साहब ने बहुत अच्छा काम करना सीख लिया किचन में आके ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी तो क्या बना रहे हो मासद के? मैंने कहा कि आपने माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत वो चीज, अच्छा उनका नाम हमने क्या रखा था? एक मिनट है जल्लमा, मोज़रेला चीज स्टिक्स विद किनोर चिकन क्रिस्पी मसाला। इंशाल्लाह ताला है ना। तो ठहर जा इसके अंदर, मैं पहले इसकी डिश तो जालू, इतने में तू काट ले। तो मैंने कहा कि क्यों ना एक हेल्दी सैलेड बनाऊं, क्योंकि इतना अच्छा वेजिटेबल्स वगैरह पड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि एक हेल्दी डिश बनाते हैं, एक क्विक सैलेड बनाते हैं। हाँ जी। जो कि एप्पल का होगा और उसमें ये कैबेज है फ्रेश, और उसके साथ साथ थोड़ा सा मजेदार किस्म का एक हेल्दी सैलेड। मैंने दस लेने, मेरा सारा जोड़ा ड्रामा पूरा हो जावे। ये देख लो ये चिली गार्लिक सॉस कनौर का हमने डाला और ये हमारी डिश तैयार है। इसको कहते हैं प्लेटर। अभी जी हमने कैबेज अच्छी सी काटी है और मैं सबसे पहले तो बोल रहा हूँ गाजर भी क्या दिया कर कदी है, गाजर काटी की फिर दस दिया कर। नहीं, वो होता है ना कैबेज, कैबेज है ये, ठीक है? ये तो गोभी है ना, बंद गोभी। बंद गोभी अच्छा, गाजर तो कैरेट होती है सदके जाऊँ। कुछ कुछ लफज मुझे आ गए तो कुछ कुछ रह गए बेटे। और अब हम अच्छा सा एक सेब काटेंगे। और सेब को इस तरह हमने काटना है की उसका जो अंदर से सीड है वो हम लोग निकाल दें। बेटा हाथ ना काट लें किते, ध्यान करी। अच्छा तो वैसे सेब को हमेशा जल्दी जल्दी काटते हैं वरना तो काला पड़ जाता है। बताऊं और सेब बताऊं, यानी कि बैंगन और सेब दोनों जो है ना उनका फटाफट आलू का भी रंग बदल जाता है। वे तुझे पता है इस बात का? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आलू पानी में डाल के रखते होते हैं लोग हैं। अच्छा तो बेटे ईद के कपड़े बन गए तुम्हारे? मजे की बात है मैंने पिछली ईद के टाइट करवा लिए। देखा कितना खोचल मुंडा है, गए हैं ये तो तू बड़ा चला के। भाई देखें मैंने कहा कि क्यों क्यों मैं पैसे जाया करूं, अगर एक मेरे पास अच्छी चीज पड़ी है तो हम जो फजूल खर्ची इतनी कर रहे होते हैं कि जी धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो मैंने कहा नहीं इस ईद पे मैं अपने पुराने ही जोड़ों को
रीस्टिच करवाऊंगा। वैसे बेटा तेरी शक्ल से नहीं लगता कि तू इतना अकलमंद है, तूने बात बड़ी अकलमंद की है। किससे सीखी थी बेटे? ये जी बड़ों ने सिखाई। अच्छा, वैसे आपस की बात है बहनों भाइयों, अकल की बात यही है कि इस दफा हम अगर ईद पर नवे जोड़े ना भी बनाए तो क्या हमने किसी के घर तो जाना नहीं है, ना हमें कोई मूल गा रहा है, ना हमें को अपने खाने पे बुला रहा है। कोरोना ने किसी जोगा नहीं छड़िया, दो कोड़े की इज्जत होगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपने घर में हमने ईद तो मनानी है ना, तो अल्लाह के फजल से अलमारियां भरी हुई है, जूतियां भी पई ने, कपड़े भी पे हुए ने। अच्छा चलो, नहीं भी जिनकी भरी हुई, चार चार जोड़े तो सबके पास ही होते हैं ना। बिल्कुल कोई बात नहीं, अल्लाह मियां बिल्कुल खुश होंगे अगर हमने उनको ही अच्छी तरह इस्त्री किया, खुशबू लगाई और त्यार त्यूर होके आपस में बैठ के खा लिया तो। मगर ये भी बात है कि भाई जो दुकानदार हमारे भाई बहन है, भाई बहन है तो नहीं दुकानों पे जाती ना, मतलब कपड़ा बेचती है, तब इसमें डाल क्या क्या रहा तू बता। अच्छा, मैं इसमें क्रीम डाल रहा हूँ, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी क्रीम, क्योंकि क्रीम हमको पता है हर चीज खूबसूरत कर देती है। वैसे रात को ये वाली मुंह पे भी मल सकते हैं किसी वक्त, नहीं अगर मतलब बंदे की स्किन ड्राई होती है। थोड़ी सी आइसिंग शुगर। अच्छा, और द मेन इंग्रेडिएंट। आए, वैसे मेरा दिल करता रात को ये क्रीम मतलब मेरे मुंह पर की ग्लो आ जाएगी ना, स्किन ग्लो करेगी। मेयोनीज। ठहर जा, मैं बता लूं, ये हेलमिन जो है ना मेयोनीज, ये पहले यहाँ नहीं थी मिलती होती। मैं ये लेने के लिए ना कभी कभी दुबई जाती होती थी, कभी अबू दुबई जाती थी। ओ, अब तो यहाँ ही मिलती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान जिंदाबाद। पहले पढ़ा हेलमिन की मेयोनीज, बड़ी मजेदार होती है वैसे। और मैं बिलीव करता हूँ कि एक अच्छा 2-3 स्पून ऑफ मेयोनीज होने चाहिए। हाँ। क्योंकि 2-3 स्पून के अंदर वो पूरे का पूरा सैलेड जो है वो बहुत ही क्रीमी आपको टेक्सचर देगा। चल मेरा बच्चा, चल इसको इधर ही रख, यही रख देते हैं, मिक्स कर लेना अच्छी तरह। मिक्स अप करते हैं इसको। और आपको पता है सैलेड के अंदर सबसे खूबसूरत बात ये होती है, रमजान में हम लोग डीप फ्राई चीजें बहुत खाते हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग डीप फ्राई के साथ साथ हेल्दी ऑप्शन भी रखें। हाँ, वैसे चॉइस आपको भी चाहिए कि आप खाने पीने में जरा एहतियात करें। उनको जब से वो हार्ट में स्टेंट पड़े हैं ना, तब से उनको मैं कह रही हूँ कि भाई आप जरा अपने खाने में हेल्दी सैलेड सूलड खाया करें। और ये हल्का सा पार्सले। वैसे सुना इसकी खुशबू दिखा मुझे जरा, पार्सले की वे। हाँ, ये बड़ी मुख्तलिफ है, मैं समझी धनिया, वैसे धनिया का फूफी का लड़का लगता है ये मुझे। अच्छा, वो पीछे सर्विंग बोल है वो जरा ले। हाँ, मैं ले दूँ ये रहा। देखिए जी कितना खूबसूरत। और आराम से डाली, आराम से, आराम से। कितना प्यारा लग रहा है। आप देखिएगा, मैं एंड में जब इसको सजाऊंगा ना तो आप कहेंगे हाय एनू ते खान दा जी नहीं करता प्या। नहीं, क्या फिर मैं इसके साथ फोटो खिंचाऊंगी? जी। अच्छा। आप फोटो खिंचवाएंगी? नहीं बने, इफ्तारी के टाइम पे जो अल्लाह की नेमतें हैं वो हमने खानी होती हैं। ये देखें, देखें, एक मिनट ये देखिएगा। अच्छा, और क्या करने लगा? अल्लाह खैर। फ्रेश स्ट्रॉबेरियां। वैसे पाकिस्तान में देखा माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉबेरियां फ्रेश फ्रेश मिल रही होती हैं, आगे नहीं थी मिलती होती। अब हमारी जो इंडस्ट्री उसने बड़ी तरक्की कर ली। माँ सदके जाओ, कितना प्यारा बनाया हुआ तू, बड़ा होके तो बड़ा अच्छा निकला है बचपन में तेरा, बोला जैसी। चल ये भी लेके आ, हमारी अफतारी की टेबल के ऊपर हम रखते लाके। हाय खूबसूरत अफतारी हो तो बस रोजा भी हसीन लगता है, और रोजा तो होता ही हसीन है, अफतारी भी हसीन हो जाती है। बस अब इंतजार करना है, थोड़ा सा टाइम रह गया है। और हाँ हाँ हाँ, एक चीज तो मुझे याद आई, बड़ी जरूरी होती है, वो होती है दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों का और आप सबका दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे कहा है ना, क्योंकि मेरे दस्तरखान पे आवे वे जिसके घर आते उसके घर आके कब्जा नहीं कर लेते। नहीं नहीं नहीं, बेशक आपका दस्तरखान आबाद है तो हम लोग आ रहे हैं ना, सारा इन्वेस्टमेंट मेरी तो क्रेडिट आप पे ले। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो हमारी आज की अफतारी बन गई है, और ये मेरा प्यारा सा, मेरा हमसायों का लड़का प्यारा सा आया, इसने मेरी बड़ी हेल्प कराई है। वे तेनु अल्लाह बच्चे देवे 5-6, वे तेरिया 5-6 कुड़िया होन, वे तेरे बच्चों के बच्चे बड़े बड़े हो, बड़ा तरक्कियां करे। तू हमेशा पतला रहे। अच्छा चल, पतला भी रहे। अच्छा, तो अब हम आपसे इजाजत लेते हैं क्योंकि अब अफतारी का टाइम थोड़ा सा रह गया, और हम हसबे ममूल एंड टाइम के ऊपर चोई सब को आवाज देने लगे, चोई सब आए और अफतारी करें, क्योंकि उसके अलावा तो उनको कोई काम नहीं है, सो जाते हैं सब्जियां कुतर के सो जाते हैं। मैं क्या, चोई साहब आ जाओ, रोजा खुलने वाला है। अच्छा, तो फिर आपसे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मिलेंगे कोई मजे की चीज लेकर, मिसेस चौधरी का तड़का।